our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. कैसे हूँ आप सभी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में ढोकला की रेसिपी शेयर नहीं कर पाई थी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी ना, तो आज इसी वीडियो में आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो ये है ज्वार का आटा। एक कप भर के मैंने लिया है ज्वार का आटा, उसी में मैंने ऐड कर दिया है 1/4 कप के करीब सूजी। और आपके पास कप का मेजरमेंट नहीं है तो कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं, उसका मेजरमेंट लीजिएगा। और साथ में ही इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप के करीब यहाँ पर घर का ताज़ा बना दही, 1 कप ज्वार का आटा, 1/4 कप के करीब सूजी और 1/2 कप दही लिया है मैंने। और इसमें हम डाल देंगे अदरक और मिर्ची। तो यहाँ पर 2 मिर्ची को मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर दिया है और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर आप अगर बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो आप मिर्ची आप देख लीजिएगा कितनी डालनी है। यहाँ पर मेरे बच्चे खा लेते हैं तो बस मैंने यहाँ पर है ना बारीक टुकड़ों में कट कर दिया था और अदरक को कद्दूकस कर दिया था। और साथ में ही यहाँ पर पालक और धनिया लिया है मैंने। पालक 8 से 10 पत्ते हैं और धनिया 1/2 कप के करीब है। दोनों को अच्छे से वॉश कर दिया और बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर दिया। और बस इसको भी हम बैटर में मिला देंगे। और पालक और धनिया ये ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इसी से इस ढोकले का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और जो डाइट कॉन्शियस है ना, उसके लिए तो देखिए ये सारी ही चीज़ें हैं ना बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और अच्छी है। तो बस ये सारी चीज़ें डाल देने के बाद में हम अच्छे से उसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं बिस्कुट की मदद से मिक्स कर रही हूँ। और 1/2 कप हमने जो दही मिलाया ना, उसी में सबसे पहले हम इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद में ज़रूरत लगेगी तब इतना ही हम पानी डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1/2 कप के करीब दही में ही 1/2 कप के करीब दही जिसमें लिया था ना, उसी में पानी डाल के डाल दिया है बैटर में। और अच्छे से मिक्स हो नहीं पा रहा था तो मैंने बिस्कुट साइड पर रख दिया और चम्मच की सहायता से मिक्स करने लगी हूँ। और 1/2 कप के करीब मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है, यानी कि 1 कप के करीब मैंने यहाँ पानी ऐड किया, वो भी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो ऊपर से मैंने है ना 2 से 3 चम्मच के करीब और पानी यहाँ पर ऐड किया है। और अब आप देख सकते हैं बैटर को कंसिस्टेंसी कैसे हो चुकी है। तो बस इस कंसिस्टेंसी पे हमें लाके अच्छे से इसमें जितनी भी गुठलियाँ हैं वो सारी रिमूव कर देनी है। वो आप देख लीजिएगा अच्छे से चम्मच की से है ना, उसे ब्रेक कर लीजिएगा। और अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ना एक साइड पे रख देंगे फूलने के लिए, क्योंकि सूजी और आटा अच्छे से फूल जाएगा, उसके बाद में ही हम इसका ढोकला बनाएंगे। तो यहाँ 15 से 20 मिनट हो चुकी है और आटा देखिए अच्छे से फूल चुका है, सूजी भी फूल चुकी है और थोड़ा सा बैटर है ना गाढ़ा गाढ़ा सा है। तो उसके पहले है ना हम छोटे जो तैयारी करनी है ना ढोकला बनाने के लिए, उसके लिए हम थाली वगैरह सब तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ढोकले का मैंने ले लिया है स्टैंड, थोड़ा सा ढोकले का स्टैंड अच्छा नहीं है, अच्छा दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ऐसा ही है। यूज़ करते करते इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो बस यहाँ 2 ग्लास के करीब मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है, उसे उबलने के लिए रख दिया है। तब तक यहाँ जो दो थालियाँ हैं ना तैयार करके रख दे रही हूँ, उसमें 1-1 चम्मच के करीब मैंने तेल डाल दिया है और उसे अच्छे से फैला दिया है और अच्छे से ग्रीस लेंगे थालियों को अच्छे से ग्रीस करना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ ना नीचे ढोकला चिपक सकता है। तो बस देखिए इस तरह से ना थालियों को ग्रीस करके रेडी कर देना है और पानी उबलने लगे उसके बाद में ही हम जो बैटर है उसे तैयार करेंगे। तो देखिए थाली हो चुकी है रेडी, पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब इस बैटर को हम थोड़ा सा है ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा सा और पानी मिला के उसको रेडी करते हैं। तो उसमें नमक भी नहीं मिलाया तो बस यहाँ पर अभी हम नमक भी मिला देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने डाल है स्वादानुसार नमक और साथ में ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब तेल। यहाँ पर है ना तेल आप मस्टर्ड ऑयल मत लीजिएगा, मूंगफली का तेल यहाँ पर मैंने ऐड किया है, बिना स्वाद वाला जो स्मेल वाला तेल है ना वो आप यहाँ पर डालिएगा। और 1/2 सैशे मैंने लिया है इनो, और 2 थाली के लिए मैंने बनाया है तो बस 1/2 सैशे इनफ हो जाता है। और उसे फर्मेंट करने के लिए मैंने फर्मेंट किया उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच के करीब पानी और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और एकदम विगरेसली उसे मिक्स
नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से ना फोल्ड करते हुए उसे मिक्स करना है। अदरवाइज इनो है ना फूलने के बजाय ये ढोकला है ना काफ़ी डेंस बनेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर दिया है और बस दोनों थाली में है ना हाफ हाफ मैं पोर कर दूंगी। यहाँ पर आप बड़ी सी थाली लेंगे तो एक थाली बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिर्फ 3 जन के लिए क्योंकि आज एकादशी का व्रत है मेरा, तो हस्बैंड और बच्चे के लिए ही बन रहा है। तो यहाँ पर मैं 2 थाली बना लूँगी जो नाश्ते के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बैटर अच्छे से थाली में डाल दिया है और उसे अच्छे से टैप कर देंगे और उसके ऊपर है ना हम काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा है ना कश्मीरी मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। वैसे तो है ना काली मिर्च का पाउडर इस ढोकले में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मैं दोनों ही थाली में ना थोड़ा थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। यहाँ पर एक थाली में प्लेन मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है और एक थाली में हाफ थाली की तरफ मैंने काली मिर्च का पाउडर और एक तरफ हाफ की तरफ मैंने डाला है लाल मिर्च कश्मीरी मिर्च का पाउडर। और देखिए उसे हम लगा देंगे थालियों को स्टैंड में। पानी अच्छे से उबला हुआ होना चाहिए तभी आप ये सारी चीज़ें प्रोसेस कीजिएगा। तो बस स्टैंड हो चुका है तैयार। आप ढोकला कढ़ाई में भी बना सकते हैं। बस ये पानी उबल जाए उसके बाद में ही सारी चीज़ें हमें प्रोसेस करनी हैं। तो चलिए अब ढोकला को हम स्टीम करने रखेंगे 10 से 12 मिनट। आप इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, 10 से 12 मिनट अच्छे से उसे स्टीम होने देंगे। तब तक यहाँ मेरी चाय और दूध भी गर्म हो जाएगा। तो चलिए 10 से 12 मिनट हो चुकी है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं ढोकला। और यहाँ पर नाइफ टेस्ट कर लेते हैं, नाइफ अगर क्लियर आ रही है तो ढोकला हो चुके हैं रेडी। तो नाइफ एकदम अच्छे से क्लियर है, क्लीन है, तो चलिए निकाल देते हैं। और इस ढोकला को है ना अच्छे से ठंडा होने देना है, उसके बाद में ही आपको इसे कट करके निकालना है। और सुबह सुबह है ना इस तरह का नाश्ता अच्छा लगता है और स्कूल जाते हुए बच्चे के लिए टिफ़िन के लिए भी एक ये बहुत ही अच्छी रेसिपी हो सकती है। शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी अच्छे से बन भी जाता है और स्वाद में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम तड़का तैयार कर लेंगे। ढोकले की थाली ठंडी हो रही है, तब तक यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने तेल ले लिया है, उसमें डाल दिया है मैंने 1 से 1.5 चम्मच जीरा और साथ में थोड़ी सी हींग डाल दी है और उसे अच्छे से चढ़क जाने देंगे। और बेसिकली इसमें है ना राई भी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने राई स्किप करके जीरा डाला है और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता। और काफ़ी कम मैंने देखिए कम मात्रा में मैंने ऑयल दिया है क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी बनाते हैं ना, तो उसमें है ना थोड़ा कम ही थे। अगर आप ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं तो ज़्यादा आप छौंक ले करके मिला सकते हैं। सारा तेल मैंने थालियों में अच्छे से फैला दिया है और थाली देखिए हल्की हल्की सी गर्म है, लेकिन आप एकदम अच्छे से ठंडी करके कट करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निकल आएगी। यहाँ पर मैंने हल्की सी गर्म थी तभी मैंने कट कर दिया क्योंकि चाय हो चुकी है, अब ज़्यादा वेट हो नहीं रहा है सबसे, तो फटाफट से चलिए गर्मा गर्म हम ढोकला कट करके आपको दिखा देते हैं। और ये ढोकला में ना सारी चीज़ें हमने डाली हुई है ना, तो बिना चटनी के भी ये ढोकला इतने ही अच्छे लगते हैं। और इस बैटर से ना अगर बड़ी सी थाली बना रहे हैं ना तो एक बनेगी, और अगर मैंने छोटी छोटी सी मेरे घर में ढोकले की थाली है तो उसमें मेरी 2 थालियाँ बन के तैयार हो चुकी थी इस बैटर से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ढोकला बिल्कुल भी नीचे चिपका नहीं है क्योंकि नीचे अच्छे से ग्रीस करके रखा था ना, तो और ये ढोकला खाने में इतना स्वाद लगता है कि मैं क्या ही बताऊं। वैसे तो आज मेरा फास्ट है लेकिन अक्सर मैं बनाती रहती हूँ और मैंने भी इसे खाया हुआ है इस ढोकले को, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चाय भी बन चुकी है, ढोकला भी बन चुका है, तो चलिए आज मैं आपको खा के तो नहीं बता सकती कि ढोकला कैसा बना है, लेकिन आपको मैं कट करके दिखा देती हूँ कि ढोकला कैसा बना है। और अगर आप बड़ी सी थाली एक ही थाली बनाएंगे ना तो ये काफ़ी है ना मोटा सा ठीक सा बनेगा, लेकिन मेरे घर में है ना इस तरह से पतले से ढोकले काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो बस मैंने ऐसे बनाया है। और आपको जो भी लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर जो भी पसंद है ना वो आप डाल के बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कट करके भी दिखा दिया है, काफ़ी अच्छे से जालीदार और सॉफ्ट बने हैं और खाने में उतने ही मस्त है। जो डाइट कॉन्शियस है, जिसको एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी चीज़ें पसंद है ना, उसके लिए तो ये दी बेस्ट रेसिपी है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा आज की ढोकला रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये है ढोकला आपके लिए, चाय और ढोकला मेरे व्यूवर्स के लिए। तो चलिए चाय और ढोकला नाश्ता हो चुका है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की, और लंच भी मुझे बनाना है हस्बैंड और बच्चे के लिए ही, तो चलिए उसके लिए छोटी मोटी मैंने तैयारी कर दी है। और देखिए यहाँ पर आटा निकाल दिया है लगाने के लिए, यहाँ पर मैंगो ले ली है मैंने कट करके, उसका मैंने बनाना है जूस। और साथ में आज बनाने वाली हूँ सब्जी,
बीन्स की और आलू, और उसमें डालूंगी टमाटर। दाल चावल आज बनेंगे नहीं क्योंकि आज एकादशी है तो चावल बनते नहीं है हमारे यहाँ। तो बस यहाँ पर मैंने ले ली है कुकर में हाफ कप छिलके वाली मूंग की दाल, क्योंकि बिना है ना दाल चावल के हस्बैंड को चलता नहीं है, क्योंकि वो सुबह खा के जाते हैं फिर सीधा रात को डिनर करते हैं, बीच में उनका बिल्कुल भी खाना होता नहीं है, तो उनको दाल चावल के बिना चलता नहीं है, थोड़ा भी दाल चावल तो चाहिए चाहिए। तो यहाँ पर है ना छिलके वाली मूंग की दाल हाफ कप के करीब ली है, उसे मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, और ये है ब्रोकन व्हीट दलिया जिसे कहते हैं, तो वो भी मैंने हाफ कप के करीब ले लिया है। ये मैंने मेरे घर के चक्की में पीसा है तो इसे मैं वॉश नहीं करती हूँ, अगर आप बाहर से ला रहे हैं तो उसे अच्छे से वॉश करके लीजिएगा। तो यहाँ पर दाल बाहर से आती है तो बस उसे मैंने वॉश कर लिया है दो तीन पानी से, और यहाँ पर है ना दो एक कप दोनों मिला के एक कप है, तो यहाँ पर है ना दो से ढाई कप मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ खिचड़ी बनाने के लिए, और उसी में डाल दे रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, टेस्ट अच्छा आता है डाल के देखिएगा, और स्वाद के हिसाब से यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है, और साथ में डाल दूँगी थोड़ा सा घी जिससे है ना ये उबल के है ना बाहर नहीं आएगी। वैसे तो है ना कुकर काफ़ी छोटा है तो ज़्यादा पानी होने की वजह से कभी कभी बाहर आ भी जाता है। तो चलिए कुकर सबसे पहले मैं लगा दूँगी और बाकी की तैयारी करूँगी, तब तक कुकर भी हो जाएगा, और लास्ट में इसमें है ना छौंक तैयार कर देंगे। और एकादशी वाले दिन है ना मेरा शाम को ही खाना रहता है, मैं साबूदाना की खिचड़ी या फिर आलू की सब्जी बना लेती हूँ अपने लिए, और मैं जो बनाती हूँ ना वो सब भी वही खा लेते हैं। तो बस सुबह का तो खाना देखिए रोटी चावल रोटी सब्जी दाल चावल रहता है, तो आज दाल चावल के बदले खिचड़ी बन रही है। तो यहाँ पर सब्जी में डालने वाली हूँ मैं आलू, क्योंकि वैसे ही मैं प्लेन अगर सब्जी बनाती ना तो मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं खाती, उसको आलू आलू तो इतने पसंद है कि कोई भी सब्जी बनाओ अरे यार आलू डाल दो तो उसका भी काम हो जाता है, वो खा लेती है, और साथ ही साथ ही कि मैंने प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर दिया है। तो चलिए ये बीन्स की सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ वो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने है ना मस्टर्ड ऑयल लिया है 3 चम्मच के करीब लिया है, और उसे अच्छे से गर्म कर देने के बाद में मैंने डाल दिया है राई जीरा और मेथी, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्प्लेटर होने देंगे, और उसके साथ में ही डाल दिया है 1 चम्मच के करीब सौंफ। गर्मी के दिनों में है ना सौंफ का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि गर्मी के दिनों में सौंफ खानी ही चाहिए क्योंकि बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, ठंडक देता है। और साथ में ही डाल दिया है मैंने थोड़ी सी हींग और कड़ी पत्ता, और फुल फ्लेम पे अभी है ना सबसे पहले तो दोनों को आलू और ये बीन्स डाल देने के बाद में अच्छे फुल फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे, और जब तक है ना इसका कलर आलू का कलर हल्का सा लाल लाल ना हो जाए ना तब तक इसे फुल फ्लेम पे भून लेना है, और उसी के साथ में है ना ये अच्छे से 50-60% है ना कुक भी हो जाती है। तो बस इसे देखिए आप इतना हमें भून के तैयार करना है, नीचे लगना शुरू हो जाए तब तक, और गैस की फ्लेम अब मैंने कर दी है स्लो, और उसी में डाल दिया है मैंने एक कटा हुआ टमाटर, और अच्छे से कर देंगे मिक्स, और कर देंगे पाउडर मसाले, और यहाँ कुकर की सीटी भी 4 से 5 हो चुकी है तो मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है, और पाउडर मसाले डाल देंगे रूटीन वाले बेसिक से है हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, और साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा थोड़ी सी शुगर, शुगर एकदम काफ़ी कम है, चुटकी भर शुगर है, टमाटर डाले है ना तो उसकी खटास को बैलेंस करने के लिए। अब डाल के देखिएगा सब्जी है ना अपनी मिठास सब्जी की रहती है ना वो भी बरकरार रहती है और काफ़ी अच्छी लगती है। सारी चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स और स्लो टू मीडियम गैस पे अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। वैसे तो देखिए सब्जी है ना 50-60% भूनते हुए कुक हो जाती है, लेकिन अब टमाटर को हमें अच्छे से गलाना है और जो मसाले डाले हैं उसे अच्छे से पकाने हैं। तो बस यहाँ देखिए 7 से 8 मिनट लग जाती है इसे सब्जी को होते हुए, और स्लो टू मीडियम गैस पे तैयार करेंगे ना तो ये सब्जी काफ़ी अच्छी बनती है। आलू देखिए अच्छे से गल चुके हैं, और टमाटर भी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है, और बीन्स भी अच्छे से पक चुके हैं, तो बस गैस की फ्लेम कर दी है मैंने बंद, और उसके ऊपर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, और सब्जी डन हो चुकी है। कुकर अभी ठंडा हुआ नहीं है तो चलिए लगे हाथों है ना मैं छाछ बना के तैयार कर दूंगी तब तक। तो यहाँ पर छाछ बनाने के लिए है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है ना तो आज एक डिफरेंट तरीके की छाछ बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने मिक्सी जार ले लिया है, उसमें डाल दिया है मैंने मिंट पुदीना 10 से 12 पत्ते पुदीना के मैंने लिए हैं, साथ में डाल दिया है थोड़ा सा एक छोटा टुकड़ा अदरक का और एक हरी मिर्च,
और ये छाछ है ना खिचड़ी के साथ, और ये आप प्लेन भी पियो ना तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो उसी के साथ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और ये है सत्तू। काली चने जो है ना उसे अच्छे से भून करके मैंने सत्तू बनाया है। तो बस यहाँ पर तीन लोगों के लिए मैं छाछ बना रही हूँ, तो 2 चम्मच के करीब मैंने सत्तू डाल दिया है। आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे ड्राई ही सबसे पहले है ना हम पीस के तैयार करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिक्सी तैयार हो चुकी है, मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। तो बस इसमें डाल देंगे हम घर का बना हुआ ताज़ा दही। तो यहाँ 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने दही डाल दिया है, और डाल दूंगी थोड़ा सा आइस और थोड़ा सा पानी और काला नमक। काला नमक नॉर्मल नमक भी आप डाल सकते हैं, लेकिन काला नमक से है ना छाछ का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो बस यहाँ 2 चम्मच के करीब है ना मैं काला नमक डाल दे रही हूँ, छोटी चम्मच है। आप देख लीजिए आपको कितना नमक पसंद करते हो, उस हिसाब से आप यहाँ डाल दीजिए। और बस थोड़ा सा सबसे पहले पानी डाल के इसे अच्छे से चर्न कर लेंगे, उसके बाद में है ना एक्स्ट्रा पानी हम बाद में मिलाएंगे, जिससे है ना सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से चर्न हो जाए। तो सारी चीज़ें देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो बस इसमें 1/2 लीटर तक यहाँ पर मैं पानी और ऐड कर दूँगी, और ये छाछ है ना ऐसे भी पी लो आप, बहुत ही अच्छी लगती है। और देखिए 1/2 लीटर मैंने पानी डाल दिया है, छाछ हो चुकी है डन। और लगे हाथों है ना मैं दही जमाना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से दही जमाती हूँ। तो यहाँ पर है ना दही जमाने के लिए मैं इस तरह से है ना जो भी डोंगा आता है ना बस वो ले लेती हूँ, और दही के ऊपर का जो पोर्शन रहता है ना मलाई वाला जो रहता है एकदम काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी मलाई रहती है, वही दही मैं हमेशा है ना जमाने के लिए लेती हूँ। और उसको अच्छे से है ना इस डोंगे में है ना अच्छे से मिक्स कर देती हूँ चम्मच की सहायता से। उसके बाद में ही मैं इसमें है ना दूध मिलाती हूँ, और 1/2 दूध मिलाने के बाद में अच्छे से कर देती हूँ मिक्स, और उसके बाद में फिर ऊपर से थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ दूध, जिससे है ना दही अच्छे से है ना सारे दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये दूध है ना ऐसा नहीं है कि मैं फ्रिज से नहीं लेती हूँ, फ्रिज से निकाला हुआ भी ले लेती हूँ, कभी ताज़ा गर्म दूध रहता है हल्का गर्म वो भी ले लेती हूँ। और बस अब मैं आपको कल दिखाऊंगी ये दही बहुत ही अच्छे से चक्का जाम तैयार हो जाएगा। सुबह जमाती हूँ तो शाम को रेडी हो जाता है, और शाम को जमाती हूँ तो सुबह तक तैयार हो जाता है। और यहाँ देखिए खिचड़ी एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी है, और उसके लिए मैंने लगा दिया है एक चौंक। तो चौंक में मैंने लिया है घी, और डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच जीरा, और अच्छे से स्प्लेटर कर दिया है। उसके बाद में डाल दिया है थोड़ी सी हींग, और हींग ज़रूर से डालिए। खिचड़ी वैसे भी थोड़ा सा हल्का सा है ना मूंग की दाल है, और दलिया लिया है तो शायद गैस कर सकती है। तो बस यहाँ पर मैंने हींग और हींग डाल देने के बाद में चौंक मिला दिया है खिचड़ी में। और अगर आप चाहो तो ना थोड़ा सा धनिया कड़ी पत्ता ये सारी चीज़ें भी डाल के तैयार कर सकते हो, और ये काफ़ी स्वाद लगती है खिचड़ी। आप ट्राई करके दीजिए, देखिएगा बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पर 2 रोटी गाय और कुत्ते के लिए सबसे पहले बन चुकी है, और थाली मैं लगा चुकी हूँ। तो चलिए लगे हाथों आपको थाली भी दिखा देती हूँ। आज की है ये सुपर वाली लंच थाली, एकादशी स्पेशल थाली है। वैसे देखिए जिस दिन है ना दाल चावल नहीं बनते हैं ना, तो उस दिन है ना इस तरह से कुछ ना कुछ मुझे जुगाड़ करके बनाना पड़ता है। अदरवाइज है ना हस्बैंड को कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, या फिर है ना सब्जी है ना तरी वाली बना लेती हूँ जिसे खिचड़ी में अच्छे से खा सकते हैं। और चावल इस बनते नहीं है, और साथ में ही बनाया है मैंने मैंगो जूस। वैसे तो अभी है ना यहाँ पर बारिश तो हल्की हल्की सी शुरू हो चुकी है मुंबई में, तो देखा जाए तो ये लास्ट मैंगो जूस हो सकता है। और खिचड़ी के साथ में छाछ बहुत ही स्वाद लगती है, तो आप ये छाछ भी जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए साथ में ही है ना बेटी आपको कट करके दिखा देती है, क्योंकि आज तो मैं खाने वाली हूँ नहीं, तो वहीं आपको दिखा रही है ये और है आपके लिए। सारा काम फिनिश हो चुका है, और अब हो चुकी है करीब करीब 5:30 हो चुके हैं, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तैयार हो चुकी हूँ, और है ना तैयार है ना, वैसे तो देखो कोई मेकअप वेकअप मुझे आता नहीं है और ना मैं करती हूँ, बस सिंपल सा मैं पाउडर लगा देती हूँ, और वो भी जॉनसन बेबी पाउडर लगाती हूँ। मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं छोटे बच्चों की चीज़ें ही अप्लाई करती हूँ और मुझे नहीं आता है। बस मैं सिर्फ है ना लिपस्टिक मुझे अच्छी लगती है, वो लाइट कलर की मैं लगा देती हूँ, और मुझे परफ्यूम का काफ़ी ज़्यादा शौक है, बस मैं परफ्यूम लगा आती हूँ और तैयार हो चुकी हूँ। और यहाँ पर है ना ड्रेस मैंने है ना काफ़ी ज़्यादा पुराना वाला निकाला है, और इसे मैं पहनती नहीं थी, 8 से 10 साल पुराना है, देख रही थी अच्छा लग रहा है कि नहीं, अदरवाइज मैं निकाल दूँ। बेटी ने कहा नहीं मम्मी ठीक लग रहा है पहन के चली जाऊँ, और कॉटन का है ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ तैयार हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ कृष्णा जी के मंदिर। तो चलिए लगे हाथों आपको भी मैं दर्शन करा ही लेती हूँ, तो चलिए मेरे साथ कृष्णा जी के मंदिर। तो यहाँ पर है ना मेरे घर के पास में ही है ना 10-15 मिनट के रास्ते पे ही का बहुत बड़ा मंदिर है,
तो बस वहाँ आ चुकी हूँ और आज आप भी दर्शन कर लीजिए, आप भी धन्य हो जाइए। और ये ब्लॉग है एकादशी वाले दिन का और शाम को बनाऊंगी मैं साबूदाना की खिचड़ी और आलू की सब्जी। और बोलते हैं ना, उपवास करते हैं एक जन और पूरा परिवार उसके साथ में साबूदाना की खिचड़ी खाता है, बस वैसे ही मेरे साथ में भी ऐसे ही होता है। मैं बनाती हूँ ना, तो सभी है ना साबूदाना की खिचड़ी और आलू की सब्जी ही रात को खा लेते हैं। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए कृष्णा जी के, राधा रमन जी के और साथ में जगन्नाथ जी के। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। शायद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।